नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चने के साग के बारे में। सर्दियों के मौसम में तरह तरह के हरे साग मिलते हैं, पालक, बथुआ, चौलाई, मेथी, सरसों का साग अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक और साग है जो सर्दियों में खूब खाया जाता है। बात करते हैं चने के साग की। हरी पत्तेदार सब्जियों में चने का साग भी सेहत के लिए काफी हेल्दी होता है। यदि आप चाहते हैं कि फ्लू, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं से ठंड के मौसम में बचे रहें, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप चने का साग खा सकते हैं। चने का साग या कोई अन्य साग खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। साथ ही चने के साग के सेवन से कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी होंगे। चने का साग पौष्टिक होने के साथ ही स्वादिष्ट होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फाइबर आदि अधिक मात्रा में होते हैं। चने का साग उन लोगों को जरूर खाना चाहिए जिन्हें कब्ज, डायबिटीज, पीलिया आदि बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। चने का साग शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। चने का साग इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इससे आप इन्फेक्शन, खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम जैसी समस्याओं से बचे रहेंगे। साग में आयरन सबसे अधिक होता है। इसे खाने से शरीर में खून और आयरन की कमी नहीं होगी। यदि आपको कब्ज की समस्या अक्सर बनी रहती है तो इस साग का सेवन जरूर करें। इसमें प्रोटीन अधिक होने के कारण यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। इसका सेवन नियमित रूप से किया जाए तो शरीर में प्रोटीन की कमी भी नहीं होगी। चने के साग में कैलोरी नहीं होती है, इसलिए वजन कम करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हम आशा करते हैं कि चने के साग से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।